जय हिंद दोस्तों, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ की अब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको यहाँ पर जो पहला नोटिफिकेशन दिया हुआ है ये अभी अभी यहाँ पर जारी किया गया है और आपको यहाँ पर सब इंस्पेक्टर प्लस आपको यहाँ पर कुछ अदर वैकेंसी भी दी गई है। अगर मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सीआरपीएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट लिंक भी प्रोवाइड करा दिया गया है जो कि फुल नोटिफिकेशन है और आप इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहां पर दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करेंगे वो सीआरपीएफ की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको जहाँ पर टोटल वैकेंसी दी गई है 212 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, कितनी यहाँ पर आपकी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, कब से कब तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपके स्टूडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, और अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इस भर्ती का रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजर नेम रहेगा वो सीआरपीएफ की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ओर से हमारी भर्ती चलने वाली है। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई है 212 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। जो पोस्ट नेम होगा टोटल आपको यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी मिल जाएगी, सब इंस्पेक्टर यानी कि SI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि ASI के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जो SIRO की वैकेंसी होगी उसके लिए 19 वैकेंसी रहेगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चेक कर लेना, टोटल जो वैकेंसी होगी 212 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। जो लोग एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया यानी पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा 29,200 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ तक आपको सैलरी दी जाएगी, यानी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर वेतन भी मिल जाएगा। अगर हम इस भर्ती के एप्लीकेशन फीस की बात करें ASI वैकेंसी के लिए, अगर आप जनरल, UR, OBC और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। और अगर आप SI यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, UR, जनरल, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। और अगर आप SC ST फीमेल कैंडिडेट है तो किसी भी वैकेंसी के लिए आप बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। और आपको जो फीस पेमेंट करनी होगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग द्वारा ही आप यहाँ पर इनको पे भी कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए OBC कैटेगरी 18 से 33, SC और ST कैटेगरी 18 से 35। जज काउंट की जाएगी 1 मई 2023 तक की जाएगी, यानी कि 1 मई को आपकी एज ना तो 18 से कम हो ना 30 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, SC वालों को 5 री दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 री छूट भी आपको दी गई है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हम इस भर्ती एग्जाम पैटर्न की बात करें यानी कि जो आपका यहाँ पर सिलेबस होगा, टोटल आपके यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आएंगे जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। जो आपको यहाँ पर मैक्सिमम नंबर होंगे 100 नंबर का आपको यहाँ पर एग्जाम भी लिया जाएगा। रीजनिंग, GK और ग्रामर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यानी इंग्लिश ग्रामर आपके यहाँ पर इस एग्जाम में आने वाली है जो कि यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम में आपकी आएगी। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें यानी कि जो आपकी हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करा दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इन जोन कैंडिडेट है यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट इस जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम बताना है तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। जो आपका यहाँ पर चेस्ट होगा 80+5 सेंटीमीटर का फुला होना अनिवार्य केवल केवल मेल कैंडिडेट के लिए। और जो आपके यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगी मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 4 मिनट का समय भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, आपके पास इन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी, आधार कार्ड,
कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एजुकेशन की सभी जानकारी, जो आपके पास फोटो है जिसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है, और विदाउट आधार कार्ड से भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, यानी CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद से आपका यहाँ पर मेडिकल एग्जाम भी लिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा आपने कुछ भी किया हुआ है तो आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं नोटिफिकेशन में बता दूँ कौन सी वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद आपको यहाँ पर स्टेप भी दिए हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा, लेकिन आपको यहाँ पर सब इम्पोर्टेंट लिंक्स वाले सेक्शन में आना होगा, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा आवेदन करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगी। अब आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी आपको रीड करनी है और आपको यहाँ से आवेदन करना होगा। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है उस वीडियो का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे। बात रही यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन किस प्रकार डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आप यहाँ पर CRPF का लोगो भी चेक कर सकते हैं, वो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जो इस भर्ती की इंपोर्टेंट डेट रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 1 मई से लेकर 21/5 यानी कि 21 मई तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो आपके यहाँ पर एडमिट कार्ड है 13/6 को यहाँ पर जारी कर दिए जाएंगे, जो कि आपके यहाँ पर एग्जाम डेट रहेगी उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है। अगर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है, आपको यहाँ पर इस भर्ती जो पे स्केल लेगा यानी जो आपको सैलरी दी जाएगी उसकी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, पोस्ट की वैकेंसी की आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर चेक कर लें, जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी आपको हमारी वेबसाइट पर दी गई है, आपको यहाँ पर पोस्ट की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर लेनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसी कॉलम में आपको यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।